तो आज है 21 फरवरी 2020। मैंने लास्ट वीडियो डाला था 10 फरवरी को, ऑलमोस्ट 11 डेज हो गए। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते तो आप जानते ही हो कि हर वीक में मेरे एक ब्लॉग आ ही जाता है, बट ऐसा क्या हुआ कि 11 दिन के बाद मैं अब जाके एडिटिंग के लिए बैठा हूँ। सबसे पहली बात जो तब्दीली आई है मेरे रूटीन के अंदर वो ये है कि आई फाइनली गॉट अ न्यू जॉब। तब्दीली ये है कि रूटीन चेंज हो गया, थोड़ा टाइम ऑक्यूपाइड होता है, लेकिन एनी हाउ इसी का तो मज़ा है। तो इसके साथ मुझे बैलेंस करना है यूट्यूब और अपनी लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। तो कर लेगा आपका भाई, बड़े बड़े क्रिएटर मैंने देखा हो जो इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके भी अपना ब्लॉगिंग कंटिन्यू करते हैं, तो आपका भाई भी इंस्पायर होके करने वाला है। दूसरी बात ये कि इस जॉब के कारण मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं गुजरात थोड़ा एक्सप्लोर कर सकूँ। इसको तो आप प्रॉपर एक बोलते ट्रैवल ब्लॉग नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ सिटीज़ में गुजरात में गया तो उधर थोड़े मैंने ग्लिम्स कैप्चर किए। और ये जो ब्लॉग है ये इसका इस कहानी का यानी इस ट्रैवल जर्नी का इंट्रोडक्टरी ब्लॉग है। बिकॉज हुआ ये कि जब हम काम से बाहर जाते तो इतना कुछ शूट करने कभी कभी नहीं मिलता है, तो फर्स्ट 2 दिन तो थोड़े ऐसे ही थे, लेकिन थोड़े दिन जैसे काम कंप्लीट होते रहे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट अपनी ज़िंदगी में हुआ जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो ये बात है सुबह सुबह 17 फरवरी की। सुबह सुबह मैं उठ के 200 करोड़ साल बाद आपका भाई रिक्शा में बैठ के मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा। मुंबई एयरपोर्ट पहुंचते साथ ही ये बात हुई कि फ्लाइट थी 6:15 की, लेकिन फ्लाइट डिले हुई 1 घंटे से। तो एयरपोर्ट थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली आई गॉट अ फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू भुज। तो डायरेक्टली आपका भाई अब बोलेंगे जब भुज पहुंचे और भुज का थोड़ा रिकॉर्डिंग नहीं दिखाया, ऐसा क्यों? बिकॉज भुज एक डिफेंस एयरपोर्ट भी है, तो वहाँ पे थोड़े प्रोटोकॉल है कि हमें फॉलो करना है। वहाँ पे नो फोटोग्राफी नो वीडियोग्राफी, इसके लिए कुछ शूट नहीं कर पाया। यहाँ से जो जर्नी होगी वो रिटर्न टू मुंबई होगी। और अगर आप ये सोचो कि मैं अकेला भुज आया हूँ तो आप गलत हो। ना ना ना, साथ में मेरे है राजू। तो ये जर्नी हम तीनों की 3 दिन की है, 4 दिन की। राजू भाई 4 दिन के बाद अलग जर्नी पे जाएंगे, और कहाँ कहाँ पे जा रहे हो इस वीडियो के साथ आपको पता चलेगा। सबसे पहले चीज़, आप जिस भी सिटी में जाते हो, जिस भी रीजन में जाते हो, इंडिया में या किसी भी और अदर अपनी होम टाउन को छोड़ के दूसरी जगह पर जाते हो, तो उस रीजन की मैं तो बोलूँगा कि डिशेज ज़रूर ट्राई करना। तो सुबह का ब्रेकफास्ट आप गुजरात आए और जलेबी खाकड़ा नहीं खाए तो क्या खाए? क्या है जलेबी खाकड़ा? जलेबी किधर है? जलेबी आप खा गए? हाँ लाओ ना जलेबी। ये खाने के बाद जर्नी शुरू होती है बाय रोड। यहाँ से मुझे जाना था रोहा। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जमीन थोड़ी बहुत बन जाए, जमीन के साथ यहाँ पे आपको विंड मिल दिखेंगे। तो ऑल राइट, वी रीच रोहा साइड। बेसिकली यहाँ पे आपने पूरे रास्ते में देखा रहेगा कि आते आते विंडमिल है, तो ये साइड पे विंडमिल के जो पार्ट है वो पड़े हैं। यही सब पार्ट असेंबल हो के उस तरह के विंडमिल बनते हैं, तो ये काम है, काम करके निपटा देते हैं। और बाय द वे होल सेटअप कैसा लग रहा है बता दीजिए। चलो, पार्ट टू थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन आगे जब हमें जाता हो वही गाड़ी के अंदर बैठ के थोड़ा दूर, ऑल राइट। आज का फर्स्ट डे गुजरात में काफ़ी हेक्टिक फील हो रहा है। 3 साइड कवर करने वाले थे। फर्स्ट साइड थी वो जो थी रोहा की, आप जा रहे ऑन दी वे टू गांधीधाम, उसके आगे जाना था इधर राजकोट, बट एनी हाउ गांधीधाम तक ये हालत ख़त्म हो गई। अब बज रहे शाम के 5:10, तो आई डोंट थिंक सो आगे जाऊँगा। तो एनी हाउ गांधीधाम जाएंगे, वहाँ पे एक साइड है वो कम्प्लीट करेंगे, और घर जो रूम है वहाँ पे आके मस्त सो जाएंगे। सोचा था आपको काम के साथ थोड़ा ब्लॉगिंग के थ्रू कुछ बता दूँ गुजरात के बारे में, बट कल्चर ट्राई करूँगे, मोस्ट ऑफ फूड पे फोकस करूँगा, तो फूड का जो भी होगा या के लोकल ट्राई करेंगे और नज़ारे भी आपको बताएंगे, तो बने रहिए।
तो खाने का आज व्यवस्था बसंत सर ने किया है। बसंत सर थैंक्स, आज देखते क्या मस्त खाने मिलेगा, क्योंकि दिन पूरा हेक्टिक था जैसा मैंने आपको बताया। तो अब कुछ पेट में अच्छा जाएगा तो नींद अच्छी आएगी, और कल का जो हेक्टिक डे है वो भी हम कवर करेंगे। तो ये मेन्यू है, बसंत सर कुक बना, कुक हो आप? हाँ यस सर। ओके, तो और ये जो प्रॉपर्टी है वो तो मैं बता नहीं सकता, थोड़ा कंपनी पॉलिसी है, लेकिन जो भी है बेटर है यहाँ पे खाना। गुजराती खाना बना है सिंपल एकदम, घर का देसी खाना, साहब एकदम खुश हो जाएंगे। बाय द वे मैंने जैसा बोला ब्लॉग में, मुझे ऐसी चैमिन, मैं आपको काम के चक्कर में जगह तो नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ का लोकल फूड ट्राई करके सब बता सकता हूँ। तो अच्छा आज यहाँ पे मिला। एक्चुअली कल मेरा प्लान था कि कल जाके काठियावाड़ी खाना खाएंगे, लेकिन आज ये नहीं, कुछ डिशेज का नाम है कुछ। हाँ सर, कोबिज का सब्जी है। हाँ, और येलो मग आता है ना उसका दाल है, और राइस, और अपना सलाद। हाँ, और जो भी है अचार, पापड़, छाछ, ऐसा सब गुजराती खाना, गुजराती खाना यही चाहिए। आई मीन तुम जहाँ पे भी जाओ, इंडिया के कौन से भी स्टेट पे जाओ, तो वहाँ का लोकल फूड जरूर ट्राई करो, उसमें ही तो मजा है, वो शरीर के लिए एकदम तंदुरुस्त है। हाँ, तो आप खा लेते फिर सोना भी कल से वो भी उठना है। ये था डे वन का, और डे टू में वही सुबह में उठना, गांधीधाम से फ्रेश होके निकलना, देन जाना हमारे तीसरी डेस्टिनेशन की तरफ,